Good morning, students. I am Indrajit Kaur, your English teacher. Today we have English language class and our topic is picture composition. What is picture composition? Picture composition means to see the picture, analyze it and write lines on it. पिक्चर कंपोजिशन का मतलब होता है कि हमें एक पिक्चर दी जाती है जिसे हमने ध्यान से देखना है, फिर उसको देखकर उस पर लाइंस लिखनी है कि उस पिक्चर में एग्जैक्टली दिख क्या रहा है, क्या क्या है, उसी पे हमने लाइंस लिखनी होती है। इसी को कहते हैं हम पिक्चर कंपोजिशन। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमें यहाँ पे आप देख रहे होंगे पिक्चर दिख रही है एक, और हमें कुछ लाइंस उन्होंने ऑलरेडी ही लिख के दे दिए, बट आपको यू हैव टू फिल द ब्लैंक्स। इट इज़ वेरी सिंपल। ये बहुत सिंपल सा पिक्चर कंपोजिशन है जिसमें आपको ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब्स वर्ड्स भी दिए हुए हैं, पिक्चर दी है एंड आपको सेंटेंसेस गिवन है एंड यू हैव टू फिल ओनली द फ्यू वर्ड्स इन इट। आफ्टर दैट दिस इज द वन एग्जाम्पल। अनदर एग्जाम्पल इज हेयर, यू कैन सी दिस। Then after, now this is the exactly picture. What is happening in the picture? You have to see the picture and you have to write the lines on it. Okay, the two types of the picture compositions are there. One is in the form of fill in the blanks and one is the you have to write the all lines by your own. आपको फिलअप्स के तौर पे भी आ सकता है और आपको पिक्चर दी जाएगी एंड यू हैव टू राइट द लाइंस ऑन इट। ओके, दैट्स ऑल फॉर द पिक्चर कंपोजिशन। थैंक यू।